Students, in the previous lecture, we discussed about the types of license that are granted for the retail sale of drugs. हमने previous lecture में पढ़ रहे थे कि कौन से license होते हैं, क्या जो grant किए जाते हैं, जो sale होती है drugs की, retail sale होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. तो इसमें क्या होता है, mostly two types के license होते हैं जो कि granted होते हैं for the retail sale of the drugs that are कौन कौन से होते हैं. एक जनरल लाइसेंस होता है एंड जनरल लाइसेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस. जो जनरल लाइसेंस होता है जो कि ग्रांट किया जाता है, इसमें आपको पहले डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है जनरल लाइसेंस में और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में. जनरल लाइसेंस में आपको बताया था कि जो उसकी सेल होती है, हम रिटेल ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिटेल सेल करते हैं जो ड्रग्स की, उसमें जो जनरल लाइसेंस होता है वो उसमें क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में ही जो सेल होती है ड्रग्स की, वो क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में होती है. लेकिन रिस्ट्रिक्टेड की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, जो सेल होती है ड्रग की, रिटेल सेल हो रही है ड्रग की, वो विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन. तो हम कह सकते हैं कि जनरल लाइसेंस आर ग्रांटेड टू द पर्संस हु हैव प्रीमिसेस फॉर द बिजनेस एंड हु एंगेज द सर्विसेज सर्विसेज ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन्स. तो हम जनरल लाइसेंस में, अब लाइसेंस के लिए हमने कोई भी, जैसे ड्रग है, ड्रग की सेल करनी है, तो उसके सेल के लिए हम हमारे पास क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले एक तो हमारे पास जनरल लाइसेंस के लिए प्रीमिसेस होना चाहिए, वो जगह होना चाहिए जहाँ पे जो ड्रग्स होती हैं, जिसको सेल करना है उसको, उसका स्टॉक रख सके, उसको स्टोर कर सके. और उसमें क्या होता है, उस प्रीमिसेस के लिए, उस बिजनेस प्रीमिसेस के साथ साथ वहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो, ठीक है, उसकी क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में ही ड्रग की सेल होती है, ड्रग की कंपाउंडिंग होती है एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स. अब देखो, ये तो हमने बात की जनरल लाइसेंस के लिए ग्रांट करने के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है फॉर द ग्रांट ऑफ जनरल लाइसेंसेस. अब वो कंडीशंस क्या होती है, अब देखो, आपको प्रीवियस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स. अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी में आती है, ठीक है, शेड्यूल सी C1 में आती है, अदर देन दोज which are specified in schedule C and C1 and the drugs which comes in the under the schedule X. तो अलग अलग कैटेगरी है. आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि वो जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके अलग अलग तरह के लाइसेंस, अलग अलग तरह के लाइसेंस, अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है उनके लाइसेंस के लिए. तो सेपरेट लाइसेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर द रिटेल सेल ऑफ द ड्रग्स. रिटेल सेल करनी है अलग अलग, अगर शेड्यूल सी और C1 के लिए चाहिए तो अलग लाइसेंस होगा, ठीक है, एक्स के लिए जो ड्रग्स आती हैं उसके लिए अलग से लाइसेंस होगा, ठीक है. एंड देन जो लिस्टेड है एक्सक्लूड होती है, एक्सक्लूडेड देन शेड्यूल सी और C1 के अलावा जो जनरल ड्रग्स आ जाती हैं उनके लिए अलग से लाइसेंस होगा. अब ये जो जनरल लाइसेंस है रिटेल, जो रिटेल सेल होती है ड्रग्स की, उसके लिए उसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं. अब वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ग्रांटेड फॉर जनरल लाइसेंस, ठीक है. अब क्या कंडीशन है जनरल लाइसेंस के लिए, किस तरह की कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको बता दिया है मैंने कि अलग अलग कैटेगरीज की जो ड्रग्स है, जो अलग अलग शेड्यूल में आती हैं, उनके
के लिए अलग अलग लाइसेंस अप्लाई किया जाता है और कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है, जो हम पहली कंडीशन की बात करते हैं उसमें आ जाता है प्रीमिसेस। जो बिजनेस प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस इसमें क्या है, अब जहां पे जो सेल हो रही है, ड्रग्स को सेल कर रहे हैं रिटेल में, वो प्रॉपर वहां पे उतना एरिया होना चाहिए कि आप उसकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग इजीली कर सके, जो पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट हो और जो केमिस्ट है जो कि उसकी कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग कर रहा है उसके लिए भी कन्वीनियंट हो। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि एरिया, इसमें कंडीशन ये है कि एरिया प्रॉपर होना चाहिए। अब वो एरिया कितना होना चाहिए इसकी भी एक लिमिटेशन दे रखी है कि नॉट लेस देन 10 meters, 10 मीटर से कम एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उस प्रीमिसेस में उसने क्या करना है, एक स्टॉक रखना है, जो भी उसने मेडिसिन है जिसकी उसने सेल करनी है उसका एक स्टॉक रखना है, ठीक है। अब उस स्टॉक को रखने के लिए उसके उसके पास पूरी स्पेस होनी चाहिए। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पर्टिकुलरली जिसको कूल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन प्रेमिसेस पे रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एरिया इतना कम है कि रेफ्रिजरेटर रखने का वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो उसमें स्टोरेज फैसिलिटी हम बात कर सकते हैं, फैसिलिटीज फॉर प्रॉपर स्टोरेज, फैसिलिटीज फॉर प्रॉपर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो गई पहली कंडीशन अगर किसी ने ग्रांट करना है फॉर द जनरल लाइसेंस के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की। देखो जगह हो गई हमारे पास, सबसे पहला जो प्राइमरी चीज थी कि हमारे पास जगह हो गई जहां पे हम अपना स्टॉक रखेंगे, ठीक है, हम कंपाउंडिंग करेंगे, डिस्पेंसिंग करेंगे, वो हमारे पास जगह हो गई। अब नंबर टू, हमें और क्या चाहिए, एक पर्सन जनरल लाइसेंस के लिए। अब जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करेगा उसके लिए एक पर्सन चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड पर्सन क्या करेगा, जो कि इंचार्ज होगा ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा, इंचार्ज होगा, इंचार्ज ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी सुपरविजन में जो क्वालिफाइड पर्सन है, इसकी सुपरविजन में ही रिटेल सेल होगी। जो पेशेंट है, आप ये जो रिटेल ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इस जितने भी जो केमिस्ट की शॉप होती है, मेडिकल स्टोर होते हैं, वहां पे क्वालिफाइड पर्सन होते हैं जिनके पास क्या होती है, डिप्लोमा या डिग्री होती है, फार्मेसी से रिलेटेड नॉलेज होती है, उसकी सुपरविजन में ही जो रिटेल सेल होती है टू द पेशेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ग्रांट द जनरल लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। उसके बाद बात करें अगर हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसे इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो लाइसेंस है, अब देखो लाइसेंस जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस है वो उस प्लेस पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो प्रीमिसेस है, जहाँ पे ड्रग की स्टोर, जो ड्रग स्टोर है वो जगह है जहाँ पे ये बिजनेस होता है, रिटेल सेल होती है ड्रग की, उस प्रीमिसेस पे क्या होता है, लाइसेंस डिस्प्ले होता है, ताकि जब भी DI यानी ड्रग इंस्पेक्टर की डिमांड हो कि उसको जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उसका लाइसेंस वहीं पे शो होकर मिले, तो वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेड, ठीक है, ऑन द प्रोमिनेंट प्लेस, जो उसकी जगह है उस पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो लाइसेंस, ठीक है, ये डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले ऑन प्रोमिनेंट प्लेस,
प्लेस, जो प्रोमिनेंट प्लेस है वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द शॉप और प्रीमिसेस जहां पे रिटेल ड्रग स्टोर हो रहा है, ताकि ऑन द डिमांड ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर आप इजीली उसको दिखा सकते हैं कि हमारे यहां पे ये जो लाइसेंस है, जो हमारा जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं रिटेल सेल ऑफ ड्रग का, वो किसके अंडर है, वो एक क्वालिफाइड पर्सन, उस लाइसेंसी पर्सन के अंडर ही, उसकी सुपरविजन में ही हम रिटेल सेल का बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नो फिजिशियन सैंपल और एक्सपायर्ड ड्रग्स विल बी स्टोर एट सेल प्रीमिसेस। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी फिजिशियन सैंपल, जो फिजिशियन सैंपल है, फिजिशियन सैंपल, ठीक है, एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स, जो फिजिशियन सैंपल है और एक्सपायर्ड ड्रग्स है उसका स्टॉक नहीं होना चाहिए। नो स्टॉक ऑन द सेल प्रीमिसेस, नो स्टॉक ऑन सेल प्रीमिसेस, ठीक है, उसका कोई स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कल भी बताया था कि कुछ जो ड्रग्स हैं वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड ड्रग्स ने आपको ये बताया था कि फिजिशियन सैंपल को हम सेल नहीं कर सकते, वो एक तरह का ऑफेंस माना जाता है, तो वो सेल प्रीमिसेस पे नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट आ गई होती है, उनको भी हम सेल नहीं कर सकते, तो उसका स्टॉक नहीं होना चाहिए वहां पर, तो ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद जो ड्रग्स हैं उनकी जिनकी सेल कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है उसके प्रोविजन के अंडर ही जितनी भी ड्रग्स हैं वो सोल्ड होगी, उनको सेल करेंगे, तो हम कह सकते हैं सेल ऑफ ड्रग्स ऑन रिटेल, ठीक है, रिटेल में जो सेल हो रही है वो किस बेस पे होगी, ऑन द प्रोविजन ऑफ, जैसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, विजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है ड्रग की सेल होगी, जो भी डिटेल सेल हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है कि जो लाइसेंस है वो रिन्यू होना चाहिए टाइमली, जब भी रिक्वायर्ड है, तो रिन्यू ऑफ लाइसेंस ऑन विल बी ऑन टाइम। ऐसा नहीं हो कि लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिटेल पे सेल कर रहे हो ड्रग्स की, तो वो एक्ट के अगेंस्ट आ जाता है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है इसमें वो है कि लाइसेंस का रिन्यू ऑफ लाइसेंस पीरियोडिकली, जैसे पीरियोडिकली रिक्वायर्ड है उस तरह से रिन्यू करना है, पीरियोडिकली व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी उसका रिक्वायरमेंट है कि लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए, तब क्या करना है, उसको रिन्यू करवाना है। ऐसा नहीं कि आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है और आप रिटेल सेल कर रहे हैं ड्रग्स की, तो उसको टाइमली रिन्यू भी लगा करवाना है, ये इसकी कंडीशन है। उसके बाद जो ड्रग्स है जो कि सोल्ड कर रहे हो आप, ड्रग्स आगे रिटेल में सेल हो रही है, तो उसको आप सब उसकी जो डिटेल है वो किस पे लिखोगे, मेंशन करोगे, कैश मेमो पे। कैश मेमो में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सब कुछ रिकॉर्ड आ जाता है, जैसे कि कौन सा सीरियल नंबर है, ठीक है, जो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रग, कब उसको सप्लाई किया गया है, ठीक है, तो इसमें ये बता रखा है कि जो ड्रग्स है जो भी आपने सोल की है, सेल ऑफ ड्रग्स, उसकी डिटेल,
ड्रग्स। अब इसमें डिटेल में क्या क्या कवर होएगा? डिटेल में आ जाएगी जैसे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। और इसमें सीरियल नंबर के साथ फिर आ जाता है डेट ऑफ सप्लाई की, आपने जो पर्टिकुलर जो ड्रग है वो कब सप्लाई किया उसकी डेट, डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। और क्या आ जाएगा इस रिकॉर्ड में? नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? इसकी डिटेल में नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फिजिशियन, ठीक है। जिसको भी आप जो ड्रग है जिसको भी आप सेल कर रहे हो उसका नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या है इसमें? क्वांटिटी एंड नेम ऑफ ड्रग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वांटिटी, क्वांटिटी आ जाएगा, नेम, बैच नंबर, ठीक है, किसकी? ड्रग्स की जो कि आपने रिटेल पे सेल की है उसके बारे में आ जाएगा, प्लस उसकी एक्सपायरी डेट एंड विद द प्राइस ऑफ दैट ड्रग्स जो कि सेल कर रहे हैं हम रिटेल पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सिग्नेचर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट कंडीशन कि उसमें क्या क्या आ जाएगा? डिटेल। अब आपको जो भी आप ड्रग जिसकी सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी ड्रग की, कि इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा कि कौन सा सीरियल, कैश मेमो में सीरियल नंबर होते हैं ये वन सीरियल नंबर, वो अलग अलग जैसे ही रेगुलरली कंटिन्यूअसली चल रहे हैं वैसे सीरियल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेट, कब आपने वो ड्रग को सेल किया, ठीक है, उसकी डेट आ जाएगी। फिर आपने जिसको भी सप्लाई किया, अगर पेशेंट है तो पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा, अगर फिजिशियन है, फिजिशियन है तो फिजिशियन या फिर डॉक्टर भी कह सकते हैं, फिजिशियन और डॉक्टर भी कह सकते हैं, फिजिशियन है या डॉक्टर है उनका नाम और एड्रेस जिसने जिसको आपने ड्रग सेल की है सप्लाई की है। उसके बाद इसमें क्वांटिटी भी, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आपने प्रोवाइड की है उसकी, नेम क्या है उसका, ठीक है, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ दैट ड्रग्स विद देयर प्राइस भी, जितने उसके प्राइस है। उसके बाद सिग्नेचर, लास्ट में क्या है, जो क्वालिफाइड पर्सन है जिसकी सुपरविजन में वो सेल हुई है ड्रग की उसका क्या सिग्नेचर आ जाएगा। दिस इज द अदर कंडीशन की हमें डिटेल आ जाएगी उसकी पूरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आती है, ठीक है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर में आती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वो भी अगर मान लो उसके सैंपल्स हैं तो उसको भी आप स्टोर करके नहीं कर सकते, नहीं रख सकते इन द सेल प्रीमिसेस जहाँ पे आप सेल का बिजनेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ड्रग्स को ऑन द रिटेल प्राइस पे, तो वहां पे भी ये सैंपल्स नहीं आप सेल कर सकते क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफेंस और इसकी जो सेल है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सैंपल्स हैं जो आर्म्ड फोर्स में आते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो उसकी सेल को आप, उसको उन ड्रग्स को आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, लाइसेंस प्रीमिसेस पे तो रख ही नहीं सकते, तो उसको एक ऑफेंस माना जाता है। जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि इन केस ऑफ फार्मेसी कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन वुड बी डन अंडर
क्वालिफाइड पर्सन। अब जो नेक्स्ट आ गया हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि इसमें जो जो कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है, कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब कंपाउंडिंग है फार्मेसी शॉप में जहां पे रिटेल का रिटेलिंग हो रही है, वहां पे प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग किसके थ्रू होगी, थ्रू द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, जो क्वालिफाइड पर्सन है उसकी सुपरविजन में होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में ही होगी। और उसके बाद जो लास्ट इसके कंडीशन है वो क्या है, जितने भी रजिस्टर्स हैं जो भी और रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, और उनको प्रिजर्व करके रखना है एटलीस्ट 2 ईयर्स तक के लिए, जो उसकी लास्ट डेट है वहां से लेकर टिल, जो मतलब कि रिसेंट की डेट है वहां से लेकर जो उसकी लास्ट है वो 2 ईयर्स तक उसको प्रिजर्व करना है। तो इसमें जितने भी रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड है वो पूरे मेंटेन होने चाहिए, जैसे भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, ये कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली वेल मेंटेन, इनको प्रिजर्व करके रखना है फॉर 2 ईयर्स, फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, प्रिजर्व प्रिजर्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक तो एटलीस्ट इसको प्रिजर्व करके रखना है। तो ये कुछ कंडीशंस थी कि आपने एक लाइसेंस है टू ग्रांट द लाइसेंस फॉर द रिटेल ऑफ सेल, रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स, अगर आप जनरल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये कंडीशंस हैं। तो इसको मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या था इसमें, क्या कंडीशन थी। सबसे पहले कंडीशन थी प्रीमिसेस के रिगार्डिंग, कि जो एरिया है जहाँ पे आप सेल कर रहे हो कितना एरिया होना चाहिए और उस एरिया में प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो प्रीमिसेस में ये भी एक कंडीशन है कि ऐसा ना हो आपके प्रॉपर स्टोरेज ना हो। नेक्स्ट है हमारा, अब उसको जो सेल करने के लिए जो ड्रग्स हैं उनको आगे फर्दर सेल करने के लिए वो किसकी सुपरविजन में होगी, क्वालिफाइड पर्सन की। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि क्वालिफाइड पर्सन वहां पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज लाइसेंस, कि लाइसेंस है वो प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए, जो उसकी प्रीमिसेस की प्रोमिनेंट प्लेस है प्रॉपर एरिया पे डिस्प्ले करना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए ताकि जब भी DI आए डिमांड करे कि उसको बोलना ही ना पड़े, उसको अपने आप ही दिख जाए कि हाँ ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है यहाँ पे, तो इनको लाइसेंस के लिए ये कंडीशन है। उसके बाद जो आपका प्रीमिसेस है जहाँ पे क्या हो रहा है, आप सेल कर रहे हो ड्रग्स की, ठीक है, ड्रग्स की सेल कर रहे हो, वहां पे क्या होगा, एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन, ठीक है, ड्रग्स और फिजिशियन सैंपल के लिए जो आते हैं ना, बहुत से जैसे कंपनीज होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज फिजिशियन को सैंपल दे जाते हैं अलग अलग, अपनी जो जो कंपनी है उसको आगे एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर उसकी सेल को एनहांस करने के लिए वो फिजिशियन को सैंपल दे जाते हैं। तो वो कुछ सैंपल कई बार क्या होता है जो रिटेल शॉप वाले होते हैं उनसे अच्छी फाउंडेशन होती है तो उनको भी दे देते हैं, ठीक है, तो वो फिजिशियन सैंपल और एक्सपायरी डेट के सैंपल अपने स्टोर पे नहीं रखेंगे, अपनी प्रीमिसेस में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी जो सेल है उसको इंक्लूड किया जाता है एज ए ऑफेंस, उसको सेल नहीं कर सकते, तो वो भी अपने प्रीमिसेस में नहीं रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है सेल ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग्स की आप सेल कर रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो जो भी रूल्स हैं कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940
सकते हो। जो नेक्स्ट है कि जो लाइसेंस है उसको पीरियोडिकली टाइमली उसको रिन्यू करवाना। अगर आपको पता है कि जैसे आपका जो लाइसेंस है 31 दिसंबर तक वैलिड है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो आप उससे टाइम से पहले ही उसको रिन्यू करवाइए जब भी रिक्वायर है। ऐसा ना हो कि आपका लाइसेंस को एक्सपायर हुए को 6 महीने हो गए और आपने उसको जो लाइसेंस है उसको अपनी प्रोमिनेंट प्लेस पे हैंग कर रखा है, तो वो वैलिड नहीं है, आप सेल नहीं कर सकते ड्रग्स की उस केस में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है इसमें वो है कि डिटेल ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स, कि जो भी ड्रग्स है ना उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। अब डिटेल जो भी उसका कैश मेन्यू है उसमें वो सारी डिटेल लिखेगा। वो डिटेल क्या होगी, उसमें सीरियल नंबर, जैसे कोई भी ड्रग है उसकी सेल होती जा रही है तो उसको कॉन्टिन्यूटी में सीरियल नंबर दिया जाता है, वो सीरियल नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ सप्लाई, जब भी वो ड्रग को सप्लाई किया उसकी डेट होनी चाहिए। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, जो भी नाम और एड्रेस होता है पेशेंट का जिसको भी आपने सेल की है ड्रग को, वो होना चाहिए। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द फिजिशियन, अगर आपने फिजिशियन को सेल किया रिटेल प्राइस पे तो उसका भी नाम और एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और क्या होना चाहिए डिटेल में, क्वांटिटी, कितनी अमाउंट आपने कोई एक स्ट्रिप प्रोवाइड की है, 4 स्ट्रिप प्रोवाइड की है किसी भी टैबलेट की, ठीक है, या फिर उसका नाम एजिथ्रोमाइसिन सप्लाई किया, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, ठीक है। बैच नंबर, कितना बैच नंबर मेंशन होता है हर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है वो बैच नंबर, ठीक है, और उसमें उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी प्राइस भी, कितनी उसकी एमआरपी है और कितनी उसकी एक्सपायरी डेट है वो भी रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए। लास्ट में जो क्वालिफाइड पर्सन है जिसकी सुपरविजन में ये सेल हुई है उसका सिग्नेचर। और बहुत सी ऐसी ड्रग होती है जो कि आर्म फोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए जेनरिक मेडिसिन होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, उनके लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन, तो उसको भी सेल नहीं कर सकते, वो लाइसेंस प्रीमिसेस पे होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद कंपाउंडिंग कर रहा है, जो प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग करता है वो किसकी सुपरविजन में होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा हो। उसके बाद लास्ट में है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या फिर रजिस्टर्स हैं रिलेटेड टू द जो भी आपकी सेल ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, चाहे सेल है उनके नाम के अकॉर्डिंग है, स्टॉक रजिस्टर है, अलग अलग रजिस्टर है, वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए और उनको जो पिछले साल के रजिस्टर है एटलीस्ट 2 साल के रजिस्टर उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल लाइसेंस, उसके लिए जो कंडीशंस है जो कि एक लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए जितनी कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए किस तरह की कंडीशंस होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये तो था अभी रिटेल ऑफ द ड्रग, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की कंडीशंस के बाद हम होलसेल ऑफ द ड्रग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप पढ़िए, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट्स।